स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1-800-309-1616। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज हम उस विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बेहद जरूरी इसलिए क्योंकि ये आपसे जुड़ा हुआ मामला है और ये मामला है कि जिस विधायक को आपने चुन करके विधानसभा में भेजा है उस विधायक की कुर्सी कितने रुपए की पड़ी, यानी उसको कितना रुपए खर्च करना पड़ा उस विधायक की कुर्सी में। और हम इस वीडियो में केवल उन नेताओं के बारे में बताएंगे जो कि मंत्रिमंडल में शामिल हैं, यानी कि मंत्री, मुख्यमंत्री और कुछ चर्चित चेहरे। इस वीडियो में उन नेताओं को भी शामिल किया गया है या उन विधायकों को भी शामिल किया गया है जो एक समय तक बड़े गरीब थे और अब जो है वो दूसरी बार विधायक बने हैं और अब उनकी स्थिति क्या है, उनको दोबारा विधायक की कुर्सी कितने की पड़ी, ये भी हम बताएंगे। हम आपको फिर से दोहरा दें कि दोबारा विधायक की कुर्सी कितने की पड़े का मतलब है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में कितना पैसा खर्च किया। हमारे पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि जो डाटा आपने बताए हैं वो गलत हैं, लेकिन आपको बता दें कि जो डाटा बताए हैं वो वही डाटा हैं जो विधायकों ने चुनाव आयोग में प्रस्तुत किए हैं, यानी कि ऑन पेपर जो डाटा है वो बिल्कुल सही है। अब हाँ, ये आप लोगों का एक सवाल जायज हो सकता है कि बड़े बड़े जो विधायक जो लंबा पैसा खर्च कर रहे हैं आखिर वो इतने कम पैसे में कैसे विधायक बन पाए, यानी कि उनका खर्चा ज़्यादा आपको लगता है। तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि विधायक के चुनाव में या सांसद के चुनाव में कितना पैसा खर्च होता है और रिकॉर्ड जो बनता है वो एक अलग मुद्दा हो सकता है। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ये हम जो डाटा लेकर के आए हैं वो डाटा है जो विधायकों ने चुनाव आयोग को दिया है खर्चे का विवरण। चलिए हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से। विष्णुदेव साय जी को विधायक की कुर्सी कितने की पड़ी, यानी उन्होंने कितना पैसा खर्च किया। तो आपको बता दें कि विधायक विष्णुदेव साय, यानी जो अब सीएम है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने जो है अपने विधानसभा चुनाव में 29,87,837 रुपये खर्च किए, यानी कि करीब करीब 30 लाख के अंदर उन्होंने विधायक बनने में सफलता हासिल की है। उनको ये कुर्सी करीब करीब 30 लाख रुपए की पड़ी। अब हम चलते हैं उस विधायक के ओर जो पहले कभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, यानी कि भूपेश बघेल। भूपेश बघेल जी को विधायक की कुर्सी कितने की पड़ी, तो आपको बता दें कि भूपेश बघेल जो है जिन्होंने पाटन से विधानसभा चुनाव लड़ा था उनको चुनाव में 30,91,671 रुपये खर्च करने पड़े, यानी उनको विधायक की कुर्सी करीब करीब 32 लाख रुपए खर्च करने के बाद हासिल हुई। अब बात करते हैं हम उस विधायक की जो विधायक चुन करके आए और अब जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं और पहले 3 टर्म यानी कि 15 साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, और वो हैं डॉक्टर रमन सिंह। डॉक्टर रमन सिंह को भी इस चुनाव को जीतने में, विधानसभा का चुनाव जीतने में 26,91,083 रुपये खर्च करने पड़े, यानी इनको करीब करीब 27 लाख रुपए हम माने मोटे तौर पर, तो 26 लाख रुपए खर्च करने के बाद विधायक की कुर्सी मिल सके। इस समय विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे चरणदास महंत को भी कुर्सी हासिल करने के लिए अच्छी खासी रकम खर्च करनी पड़ी, यानी कि चरणदास महंत जो कि सख्ती से विधायक चुने गए हैं उनको भी जो है 17,20,917 रुपये खर्च करने पड़े, यानी कि विधायक की कुर्सी 17,20,917 रुपए की पड़ी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में सबसे चर्चित चेहरा माने जाने वाले कवासी लखमा को भी जो है विधायक बनने के लिए कितना खर्च करना पड़ा, ये भी हम आपको बता देते हैं। कवासी लखमा सोंटा से विधायक चुने गए हैं और उनको इस विधानसभा चुनाव में 22,51,022 रुपए खर्च करने पड़े, यानी इतना पैसा खर्च करने के बाद उनको विधायक की कुर्सी मिल गई। अब बात करते हैं उस विधायक की जो पिछले भाजपा की सरकार में मंत्री रहे और कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं, सबसे सक्रिय नेता हैं और विपक्षियों पर तंज कसते रहते हैं अक्सर, और वो हैं अजय चंद्राकर। अजय चंद्राकर कुरुद से विधायक हैं और उनको जो है विधायक बनने के लिए 26,02,993 रुपये खर्च करने पड़े, यानी कि उनको भी कुर्सी पाना बड़ा आसान नहीं रहा, जबकि वो बड़े चर्चित चेहरा माने जाते हैं। अब बात करते हैं उस विधायक की जो इस विधानसभा चुनाव में पहली बार लड़ी और जीत भी हासिल की और अपने टिकट के मिलने के बाद से ही वो चर्चा में रहीं, क्योंकि
वो जो है एक कद्दावर नेता के रिश्तेदार भी हैं और लगातार राजनीति में सक्रिय भी दिखाई दी टिकट मिलने के बाद, और वो हैं भावना बोहरा। भावना बोहरा जो कि पंडरिया से विधायक हैं, उनको भी चुनाव जीतने के लिए 23,56,632 रुपये खर्च करने पड़े, यानी उनको विधायक की कुर्सी 23,56,632 रुपये में पड़ी। अब बात करते हैं एक और पूर्व मंत्री की जो बीजेपी के शासन में मंत्री थे और बड़े ही सक्रियता के लिए जाने जाते हैं, और वो है राजेश मूणत। राजेश मूणत को विधानसभा चुनाव में 23,46,288 रुपये खर्च करने पड़े। अब बात करते हैं उस नेता की या उस विधायक की जो पिछले विधानसभा चुनाव में, यानी जो 2023 का विधानसभा है उसके पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था 2018 में, तब तक उसी तरीके से चर्चा में आए थे जिस तरीके से ईश्वर साहू इन दिनों चर्चा में हैं। वो भी अति गरीब परिवार से आते थे, वो भी एक झोपड़ी में रहते थे, तमाम तरह की बातें प्रचारित की गई थी, लेकिन उसके बाद हालात बदले विधायक बनने के बाद, और जब वो दूसरी बार विधायक चुने गए, उन्होंने जो है दूसरी बार विधायक बनने के लिए कुंवर सिंह निषाद ने 32,57,963 रुपये खर्च किए। इसको मोटे मोटे तौर पर आप 32,58,000 रुपये मान सकते हैं। तो यानी कि पिछले से पिछले विधानसभा चुनाव में जो व्यक्ति अति गरीब में माना जा रहा था, जिसकी चर्चा हो रही थी कि बहुत ही गरीब व्यक्ति, वो कांग्रेस ने टिकट दिया है, लेकिन अब जो है जो दोबारा जो विधानसभा चुनाव में जीत करके आए, तो उन्होंने करीब करीब 32,50,000 रुपये खर्च किए। छॉलीवुड के अभिनेता से विधायक बने अनुज शर्मा के लिए भी विधायक की कुर्सी बड़ी आसान नहीं रही। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित अनुज को भी इस विधानसभा चुनाव में 30,50,023 रुपये खर्च करने पड़े, यानी कि उनको विधायक की कुर्सी जो है 30,50,023 रुपये की पड़ी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह को भी विधायक की कुर्सी बड़ी आसानी से नहीं मिली है, उनको भी अच्छी खासी रकम खर्च करनी पड़ी, और किरण देव साहब ने विधानसभा चुनाव में 29,53,653 रुपये खर्च किए, यानी कि करीब करीब ये मान लें कि इनको भी करीब 30,00,000 रुपये विधायक की कुर्सी पाने के लिए खर्च करने। बता दें कि किरण देव सिंह जगदलपुर से एक समय मेयर थे और पहली बार विधायक चुने गए हैं। अब आते हैं उन विधायकों पर जो अब प्रदेश सरकार में मंत्री है। तो सबसे पहले बात करते हैं अरुण साव की, जो कि डिप्टी सीएम है, उनको भी विधानसभा चुनाव में 29,05,164 रुपये खर्च करने पड़े, यानी उनको विधायक की कुर्सी 29,05,164 रुपये की पड़ी। दूसरे नंबर पर हैं विजय शर्मा, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार में ही दूसरे डिप्टी सीएम हैं और कवर्धा से विधायक चुने गए हैं, उन्होंने उनको भी विधानसभा चुनाव में 26,20,483 रुपये खर्च करने पड़े, यानी उनको विधायक की कुर्सी जो है 26,20,483 रुपये में पड़ी। अब बात करते हैं उस विधायक की जिसने सबसे ज़्यादा मार्जिन से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की, और वो है ब्रजमोहन अग्रवाल। ब्रजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण सीट से विधायक चुने गए, उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के राम सुंदर दास को 67,000 से ज़्यादा वोटों से पराजित किया था, यानी कि इतनी बड़ी जीत मिलने के बाद भी ब्रजमोहन अग्रवाल को 18,66,462 रुपये खर्च करने पड़े, जबकि ब्रजमोहन अग्रवाल को जननेता माना जाता है। अब बात करते हैं मंत्रिमंडल के एक और मंत्री ओपी चौधरी की। ओपी चौधरी पूर्व आईएएस हैं और उनको विधानसभा की सीट जो है, यानी कि विधायक की कुर्सी 27,62,140 रुपये की पड़ी, यानी उन्होंने विधानसभा चुनाव में 27,62,140 रुपये खर्च किए। अब बात करते हैं मंत्रिमंडल के एक और मंत्री लखनलाल देवांगन की, जो कि कोरबा से विधायक हैं, उनको भी विधानसभा चुनाव में 27,35,383 रुपये खर्च करने पड़े, यानी विधायक की कुर्सी उनको करीब करीब 27,50,000 रुपये की पड़ी। एक और मंत्री हैं जो कि मनेंद्रगढ़ से चुनकर के विधायक चुनकर के आए हैं, और वो हैं श्याम बिहारी जायसवाल। श्याम बिहारी जायसवाल को विधायक की कुर्सी 29,27,743 रुपये की पड़ी, यानी उन्होंने चुनाव में इतना पैसा खर्च किया। मंत्रिमंडल की एक और बहुत ही युवा मंत्री हैं लक्ष्मी रजवाड़े। लक्ष्मी रजवाड़े को विधानसभा चुनाव में 28,90,283 रुपये खर्च किए, यानी कि उनको विधायक की कुर्सी 28,90,283 रुपये की पड़ी। मंत्रिमंडल में एक और मंत्री हैं टंकराम वर्मा, जो कि पहली बार विधायक बने और पहली बार ही मंत्री भी बने, उनको भी विधायक की कुर्सी पाने के लिए
19,36,143 रुपये खर्च करने पड़े। नारायणपुर से विधायक चुने गए केदार कश्यप, जो कि पूर्व में मंत्री भी रहे, उनको भी इस बार विधायक बनने के लिए अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ा। उनको विधायक की कुर्सी 24,13,096 रुपये की पड़ी, यानी चुनाव में उन्होंने 24,13,096 रुपये खर्च किए। छत्तीसगढ़ सरकार के मौजूदा मंत्रियों में शामिल राम विचार नेताम को भी इस चुनाव में बड़ी आसानी से विधायक की कुर्सी नहीं मिली है। उनको भी विधानसभा चुनाव में 31,73,710 रुपये खर्च करने पड़े, यानी उनको विधायक की कुर्सी 31,73,710 रुपये में पड़ी। अब बात करते हैं सबसे अंतिम जो है मंत्री हैं दयाल दास बघेल, जो छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री हैं, उनको भी जो है विधानसभा चुनाव में अपेक्षाकृत अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ा, यानी उनको कुर्सी जो है विधायक की कुर्सी 36,97,477 रुपये की पड़ी, यानी कि उनको विधायक बनने के लिए करीब करीब 37 लाख रुपये खर्च करने पड़े। तो ये थे वो विधायक जिन्होंने अपने चुनाव खर्च को चुनाव आयोग के पास जमा कराया, दर्शाया कि उन्होंने कितना पैसा खर्च किया। इस रिपोर्ट को जो है ADR ने कंसोलिडेट किया, विश्लेषण करने के बाद तैयार किया है। और आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि विधानसभा चुनाव में खर्च की सीमा 40 लाख रुपए होती है, यानी कि एक विधायक 40 लाख रुपए से ज़्यादा चुनाव पे खर्च नहीं कर सकता है। तो जैसा कि आपने देखा कि कौन कौन से मंत्री हैं जिनको विधायक की कुर्सी पाने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ा, और वो विधायक जो चर्चा में रहे, लगातार चर्चा में रहते हैं, उनको भी विधायक की कुर्सी कितने रुपए की पड़ी। ऐसे ही और रोचक वीडियो देखने के लिए आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही इस वीडियो को लेकर के आप अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक।